सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। अब बताइए आप ऐसे कितने लोगों को याद हो गया? अच्छे तरीके से बात दिमाग में बिठा लो। जो हाथ नहीं उठाता, जो हाथ उठाएगा उसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन जो हाथ नहीं उठाएगा मैं उसे डेफिनेटली पूछूंगा। और ये लोग चांद बुझ के हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें अब आप याद है पूरे पूरे याद है छाती में। आप फिर ये बताइए, सनफ्लावर से पहले क्या था? आईआईटी आईआईटी कनाडा से बात, कनाडा के बाद भी क्या था? टाइटैनिक से पहले क्या था? टाइगर। टाइगर इज इट करेक्ट? एम्स के बाद में क्या था? ताजमहल। ताजमहल इज इट करेक्ट? Thank you.
शाम में या मगरिब के बाद, फौरन मगरिब के अतराफ में आगे पीछे।
चौथा रात सोने से पहले। तो नंबर वन वाले हाथ खड़ा करो। ओके, सेकंड ऑप्शन वाले दिन में, थर्ड ऑप्शन वाले शाम में, फोर्थ ऑप्शन वाले सोने से पहले, मगरिब के बाद। ठीक, सुनिए दो बातें हैं, अच्छा याद होना और अच्छा याद रहना। मैं क्या पूछा? अच्छा याद रहना। ओके, अच्छा याद रहना इंपॉर्टेंट है, अच्छा याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करके भूल जा रहे वो कोई कमाल की बात नहीं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा याद रहने वाला जो टाइम है वो रात को सोने से पहले पढ़े तो अच्छा याद रहता। पता नहीं समझ में, सुबह में पढ़े तो अच्छा याद होता। आप लोग मेरे सवाल को समझ गए तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा याद होना भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा याद रहना भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर इंसान जो भूलता है ना किसी चीज को, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो है ना वो है इंटरफियरेंस, मदाखलत। क्या रहती? मदाखलत, इंटरफियरेंस। अब मैं इसे बात कर रहा हूं, अचानक इलाके में से कुछ पूछे, मैं तवज्जो दिया, फिर बोले क्या हो रहा था, नहीं होता ऐसा, होता ना ऐसा, क्या हुआ इस बीच में, इंटरफियरेंस हुआ, मदाखलत हुई। जनरली मदाखलत एक वन ऑफ द रीजन है इंसान भूलता। ऐसे ही जब हम सुबह में बहुत सारी चीजें अच्छा पढ़ते, अच्छा याद होता, जल्दी भी याद होता सुबह में पढ़े तो, लेकिन उसके बाद क्या होता, हम लोग दिन में अब उसके बाद पढ़ लिया, याद कर लिया, अब दिन के कामों में लग गए, फिर स्कूल के कॉलेज में चले गए, फिर दोपहर तक वहाँ टाइम स्पेंड करे, फिर दोपहर की नमाज पढ़े, फिर खाना खाए, फिर कॉलेज या स्कूल में पढ़ कर टाइम स्पेंड करे, फिर शाम में ट्यूशन को चले गए, फिर मगरिब के बाद घर को आए, फिर घर में कुछ लोगों से बैठ के बातचीत करे या कोई काम करे या कोई एक्टिविटी करे, फिर उसके बाद में फिर हम जो है रात में सोने से पहले फिर थोड़ी देर पढ़ लिए, फिर सो गए। होता ये जो हम सुबह पढ़े उसके अंदर दिन भर के सारे एक्टिविटीज एक मदाखलत का रोल अदा करते हैं, इंटरफेरेंस का रोल अदा करते हैं। जो प्योरिटी रहती ना सुबह में हम जो पढ़े उस चीज की, वो प्योरिटी में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज दिन भर के ऐड होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो वो जितने डेटा हम प्योरिटी के साथ ऐड याद कर रहे थे वो इम्प्यूरिटी के साथ स्टोर होता है। इसीलिए अक्सर हम ये महसूस करते हैं इतना अच्छा याद कर रहा है वो, फिर भी भूल गया, फिर भी पक्का याद नहीं है। पक्का याद नहीं होने के पीछे मेरा ही कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। आप कसूर क्या है भाई मेरा इसमें? मेरा कसूर ये है कि मैं सुबह में पढ़कर छोड़ दिया। करना क्या है, सुबह में मैं एक घंटा पढ़कर दो चीज को याद कर रहा, उस चीज को मैं रात में सोने से पहले दो या तीन मिनट अगर रिवाइज करा तो वो ऐसे ही फ्रेश ताजी हो जाती जैसे सुबह में मैंने उसको याद किया था। अब मैं जब सोऊंगा तब वो जाके जो है ना मेरी मेमोरी में स्टोर होगा। इंसान की जो मेमोरी एक्टिवेट होती, जो स्टोरेज का प्रोसेस रहता वो एक्टिवेट नींद की हालत में होता। इसीलिए मेमोरी अच्छी होने के लिए नींद का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अच्छा सोते, अच्छा सोने का मतलब ये है कि 6 घंटे सोना, अच्छे का मुराद ये नहीं है कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सोना, 6 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर। एक इंसान की जो साइकिल है, नींद की जो एक साइकिल है, हर इंसान साइकिल्स में सोता, तो एक इंसान की जो साइकिल है सोने की वो 1.5 घंटे की होती। कितने घंटे की होती? 1.5 घंटे की होती। एक इंसान को जो सफिशियंट नींद चाहिए वो 4 साइकिल्स की होती। 4 साइकिल बोले तो कितने घंटे? 6 घंटे अगर कोई सो गया तो द पर्सन गॉट सफिशिएंट स्लीप, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें 1.5 घंटा सोना चाहे तो सो सकता। अक्सर लोग जो करवट बदलते हैं वो 1.5 घंटे के बाद बदलते हैं, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट होती तब उनको जो है ना करवट बदलने की धुन आती। अक्सर लोग कहते हैं कि नींद में से मिलना रात बोलते फिर बंद करके सो जाते हैं, और बहुत कई आपको देखने को मिलता। ये सब कुछ 1.5 घंटे की रेंज में होता है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटे में होता है, राइट।
अच्छा होता है क्या, इंफॉर्मेशन जो है ना, जब इंसान सोता है तो जो नई इंफॉर्मेशन उन्हें देता वो पुरानी इंफॉर्मेशन जो अंदर पहले से है उसके अंदर इंटीग्रेशन होना पड़ता है, वो दोनों के अंदर इंटीग्रेशन होने के लिए टाइम चाहिए, वो नींद की हालत में होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले की रात बराबर नहीं सोते और हिमाचल करके जाके आते हैं, मालूम है रात को नाइट आउट करके आए होते हैं, नाइट आउट करना शांत की बात समझते एग्जाम खराब होता है। इसलिए नींद एग्जाम से पहले की जो नींद है बहुत इंपॉर्टेंट रहती, तो उसमें सोने की अच्छी आदत रखना और शुरू से पढ़ते हुए जो चीजों को हम लेकर चलते वो अच्छा याद रहता। तो कौन सा टाइम पढ़े तो अच्छा याद रहता, सोने से पहले, और ज्यादा कब याद होता, मगर हमारी इतना पढ़ना रहता कि हम दिन भर जो पढ़ते उसको एज ब्रेक उसको फ्रेश करने के लिए रात को सोने से पहले एक घंटे की पढ़ाई को दो तीन मिनट का रिविजन, इसी टाइम बिग टाइम, मगर आप जो सुबह में मेहनत करें ना वो चीज होती है रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर रिविजन रिविजन, नहीं मैं ये बोलो फिर से घंटा पढ़ो बोलिए कर ले सकेंगे, कर ले सकेंगे। yes. अच्छा एक और बात आपको याद रखी तो बता रहा हूँ, पढ़ने जब हम बैठते हैं तो हमारे तीन सिचुएशंस रहते हैं, हमारे पांच छह सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इजी रहता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता, एक सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट रहता, राइट, यानी इजी एवरेज डिफिकल्ट, तीन टाइप के सब्जेक्ट होते हैं हमारे। ऐसे ही हमारे हमारे एनर्जी लेवल्स रहते, क्या रहते, एनर्जी लेवल्स रहते, एनर्जी लेवल्स में भी तीन टाइप के रहते, एक टाइप का बहुत जबरदस्त एक्टिव और फ्रेश रहते, एक टाइप पे हम लोग मीडियम रहते और एक टाइप पे हम लोग डल रहते। लेकिन पढ़ना इतना है कि हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना है, तो हमको क्या करना पड़ता, एक पेपर पे तीन कॉलम बना लेना, इधर पेपर पे तीन कॉलम बना लेना, ये पेपर पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मीडियम सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट लिखना, या फिर डल टाइम और नॉर्मल टाइम और एक्टिव टाइम लिख लेना। जो डल सब्जेक्ट हमारा होता है, जो हमारे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता उसको हमें एक्टिव टाइम में पढ़ना, कब पढ़ना, एक्टिव टाइम में पढ़ना, तो दोनों के अंदर बैलेंस हो गया, ज्यादा पढ़ते हैं, और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता सॉरी जो इजी सब्जेक्ट रहता है उसको डल टाइम में पढ़ना, तो इसके अंदर इक्वली डेवलप होता है। हम अक्सर क्या देखते हैं बच्चों को, आज खूब पढ़ूंगा भैया बैठते बैठते नहीं वॉइस में बोल देता, दस बड़ों को पढ़ते आज खूब पढ़ूंगा भैया बैठते, अब बैठते क्या करते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठते, जोश में एक्टिव टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट खूब पढ़ते, उसके बाद जब अपने एनर्जी लेवल्स डाउन होते रहते नहीं फिर सेकेंड लेवल के सब्जेक्ट लेके बैठते, जब अपन पूरे में डॉलर है नहीं वो टाइम पे वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेके बैठते, अब एक तो डलनेस प्लस वो डिफिकल्ट टाइम, अब ये दोनों का जो कोलैबोरेशन कॉम्बिनेशन रहता है ना ये मोस्ट डेंजरस रहता है। अब आते हैं चीजों में और नाता बेहतर पानी में बह जाता, तो आगे से इस चीज के ऊपर पहला लक्ष्य है थोड़ा सा काम करेंगे, यू कैन डू वंडर्स, आप भी क्लास के टॉपर बन सकते, आप भी क्लास के टॉपर बन सकते, सिर्फ इतना है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करो, एक बात याद रखो, अगर आप क्लास में या पढ़ने के बावजूद मार्क्स थोड़ी बहुत भी मेहनत करेगा तो मार्क्स अगर आपको ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। एक एक पौधा है उसके पत्ते पीले होने लगे तो आप समझे अरे इसको पानी की जरूरत पड़ेगी, आप पत्तों पर पानी डाले तो पत्ते हरे हो जाते, पत्ते हरे हो जाते, क्या करना पड़ता, नहीं डाला पानी, कहाँ डाला पानी, जब से डाला पानी, तो हम लोग क्या करते हैं पत्तों पर पानी डालते, हम लोग एक्चुअली जड़ में पानी डालने की जरूरत है, तो आप जड़ में पानी डालो फिर पत्ता हरा होना शुरू होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉज रीजंस ऑफ व्हाई आई एम लूजिंग हियर, वंस आप उसकी क्लैरिटी आती है ना देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट।
माता की समझ में। और बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 16 घंटे चाहिए ये सब चीजों को समझाने के। मेरे को 1.5 घंटा दिया गया, फिर भी मैं 2 घंटे बात कर गया तकरीबन 3 बजे स्टार्ट करा, 5 बजे 5 मिनट बाकी है। आई थिंक आई नीड टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। और फिर जवाब में मुझे 2000 ट्रेनिंग्स का इतनी सिंसियरिटी के साथ, इतनी जुस्तुजु के साथ, इतनी लगन के साथ और इतने पेशेंस के साथ और इतने रिस्पॉन्सिव अंदाज में बहुत कम बच्चे मिलते हमारे को। आई रियली अप्रिशिएट द यूथ ऑफ नागपुर। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक उम्मीद की किरण जा रही है आप लोगों के बीच। अल्लाह आपकी मदद करना, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अदा करना। अल्लाह का नाम है।